वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, बात कर रही हूँ मैं सीरियल कुंडली भाग्य के बारे में। कुंडली भाग्य में बहुत ड्रामेटिक दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट से जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। तो दोस्तों, कुंडली भाग्य में जहाँ एक तो विधा दिखाता है कि शौर्य ने की होती है बहुत बड़ी गलती, यानी कि इधर सभी सिख के साथ बदतमीजी से बात कर रहा होता है और प्रीता को बहुत उल्टा फुलटा बोलता है और बोलता है कि आप मेरी माँ नहीं हो। वही प्रीता भी सजा देती है, लेकिन इधर सजा से शौर्य सुधरता नहीं है। अब इधर दिखाते कि करण गुस्से में आके ऐसा बड़ा फैसला कर लेता है जिससे सभी घर वालों को लगता है झटका। यानी कि इधर दिखाता है कि शौर्य बोलता है कि जो मर्जी है आपको करने कर लो, क्योंकि बिजनेस तो मेरे पास है, प्रॉफिट लॉस मैं ही देखूंगा। वो इधर करण बड़ा फैसला कर लेते हैं और बोलते हैं कि तू प्रॉफिट क्या बोल रहा है, ये लॉस क्या बोल रहा है, अगर बिजनेस रहेगा तब ना, मैं तो प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं करने दूंगा। यानी कि इधर बिजनेस छीन लेता है, घर का लूटर एम्पायर का जो बिजनेस होता है मेन बिजनेस, उससे बेदखल कर देता है शौर्य को। ये बात सुन के सभी घर वालों को लगता है बहुत बड़ा झटका और साथ ही साथ प्रीता को लगता है झटका। जहाँ एक तब इधर सब घर वालों को पता है कि राजवीर है प्रीता और करण का बेटा, वही के शौर्य को इस बात सुन के लगेगा धक्का और वो जानना चाहेगा अपनी माँ के बारे में। वह इधर बहुत बड़ा आने वाला है मोड़ जहाँ हमें देखने मिलेगा कि श्रद्धा आर्या का एग्जिट हो सकता है क्या। देखने में ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्या, वो अपने प्रेगनेंसी के चलते एग्जिट करेगी और वो शो को करेगी अलविदा, या इसमें आएगा कोई बड़ा तूफान और देखने मिलेगा हम लोग को करण और प्रीता का दोनों का एग्जिट। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा और आगे के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल में जुड़े रहिएगा। जब तक के लिए थैंक यू।